हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज, अपन कर रहे हैं करंट अफेयर्स रिवीजन, यानी 1 जनवरी 2020 के बाद की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है उनको अपन रिवाइज कर रहे हैं। तो गाइज, इसी से अपने जो कंसेप्ट क्लियर होते चलेंगे और रिवीजन होता चलेगा करंट अफेयर्स का। तो गाइज, देखते हैं आज का अपना पहला करंट अफेयर क्वेश्चन देखेंगे। गाइज, इसी प्रकार से डेली बेसिस के ऊपर अपना सेट आता है, डेली बेसिस पर रेगुलर देखते रहिएगा। तो गाइज, आज का जो पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा भारत के किस शहर में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया जा रहा है। आप लोगों को आंसर देना है। यदि आपको आंसर आता है तो साथ साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स को आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, साथ में लिखते चलिएगा। केंद्र सरकार द्वारा भारत के किस शहर में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया जा रहा है, क्या आंसर बनेगा गाइज इस क्वेश्चन का? भारत पर्व 2020 का आयोजन किस शहर के अंदर किया जा रहा है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर। ठीक है गाइज, और ये जो भारत पर्व 2020 है ये हमेशा कब से कब तक मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक ये मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है गाइज? ये मनाया जाता है लाल किला के अंदर। ओके गाइज, नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ओके गाइज, और इसकी जो थीम है वो थीम क्या थी? थीम आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए तो इसकी जो थीम थी गाइज वो थी एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये इसकी थीम थी। तो हर चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। 26 से 31 जनवरी तक मनाया जाता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किसने हाल ही में नेपाल की संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? नेपाल की बात हो रही है, उसकी संसद का जो निचला सदन है, जैसे भारत के अंदर लोकसभा है वैसे वहाँ का जो निचला सदन है उसके अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा गाइस क्वेश्चन नंबर? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अग्नि प्रसाद। अब देख लेते हैं गाइज, नेपाल की अपन बात करें, खड़गा प्रसाद शर्मा ओली, ये तो है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर। विद्या देवी भंडारी, वो है वहाँ पे राष्ट्रपति। ओके गाइज, तीसरी चीज़ जो वहाँ पे इम्पोर्टेंट है गाइज, वो है वो वहाँ के विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर। नेपाल के विदेश मंत्री कौन है? प्रदीप कुमार ग्यावल्ली। ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइज एग्जाम, इंडिया की एग्जाम्स के लिए प्रदीप कुमार ग्यावली। और गाइज आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का राजदूत कौन है नेपाल के अंदर? उसका नाम है विपिन कुमार क्वात्रा, विपिन मोहन क्वात्रा, ऐसा नाम है, विपिन विनय मोहन क्वात्रा, विनय मोहन क्वात्रा। ओके गाइज, यह है भारत के राजदूत है नेपाल के अंदर। तो गाइज, नेपाल के बारे में एक क्वेश्चन श्योर आएगा एग्जाम के अंदर, 100% पूछा जाएगा, आप अच्छे से रट लीजिएगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस नाम से पोर्टल की शुरुआत की है? केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे, जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग है, उनके निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस नाम से पोर्टल की शुरुआत की है? तो गाइज, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, GATI गति। बात कर लेते हैं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी, नितिन गडकरी। ओके गाइज, और इसकी निगरानी कौन करेगा? ये जो गति पोर्टल है, इस गति पोर्टल की गाइज निगरानी किसके द्वारा की जाएगी? NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके गाइज, पोर्टल का नाम है गति पोर्टल, निगरानी रखी जाएगी NHAI के द्वारा, और जो राजमार्ग मंत्री अपने वह है नितिन गडकरी। हाल ही में रूस और किस देश के बीच नई दिल्ली में गंगा वोल्गा वार्ता का आयोजन किया गया? आंसर दीजिएगा, गंगा वोल्गा वार्ता का आयोजन किया गया। तो गाइज, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका भारत, गंगा वोल्गा वार्ता का आयोजन किया गया भारत के अंदर। ठीक है गाइज, तो रूस और किस देश के बीच में? तो आंसर हो जाएगा भारत। रूस की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन है वहाँ के राष्ट्रपति, रूबेल है वहाँ की मुद्रा, और रूस की राजधानी की बात करें तो मॉस्को। ओके गाइज, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, और जो वार्ता का नाम है वह है गंगा वोल्गा वार्ता। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले सागरमाथा संवाद फोरम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है? अब गाइज, ये सागरमाथा संवाद है, ये है क्या चीज़? यहाँ पे एक नाम आया सागरमाथा, सागरमाथा का मतलब है गाइज यहाँ पे माउंट एवरेस्ट से मतलब है, और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल के अंदर है। ओके गाइज, माउंट एवरेस्ट की ऊँचाई की बात करें तो 8848 मीटर है। तो हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले सागरमाथा स्वाद फोरम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल के एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप लोगों को बता चुके हैं, और गाइज जो यहाँ पे जो ये फोरम हो रहा है इसके अंदर सभी देशों को, जितने भी जो सार्क के सदस्य हैं उन सभी को इन्वाइट किया गया है। ओके गाइज, जिसमें पाकिस्तान PM इमरान खान भी है। ओके गाइज, केंद्रीय इस्पात मंत्री ने अपने कर्मचारियों की स्वैच्छिक परोपकारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु किस पोर्टल की शुरुआत की है? अब गाइज, यहाँ पे आता है केंद्रीय इस्पात मंत्री की बात हो रही है,
उसने अपने कर्मचारियों की, तो उसके कर्मचारी किसके अंडर में आ गए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील उसकी बात हो रही है, स्टील वाले की बात हो रही है। केंद्रीय इस्पात मंत्री ने अपने कर्मचारियों को स्वैच्छिक परोपकारी गतिविधि को बढ़ावा देने हेतु किस पोर्टल की शुरुआत की है, पोर्टल का नाम अपने को यहाँ पे बताना है, क्या आंसर बनेगा इस पोर्टल का नाम, तो गाइस यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्विस पोर्टल, सर्विस पोर्टल आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस ये जो स्टील मंत्रालय है किसके पास में, गाइस ये धर्मेंद्र प्रधान के पास में, धर्मेंद्र प्रधान। और इसके राज्य मंत्री कौन है, राज्य मंत्री कौन है इसके अंदर, फगन सिंह कुलस्ते, फगन सिंह कुलस्ते, ओके यह है राज्य मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के आयात निर्यात बैंक ने किस देश के लिए 35.8 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की है, तो 35.8 मिलियन डॉलर की बात हो रही है, एक्जिम बैंक की बात हो रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के लिए, तो किस देश के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की है 35.8 मिलियन डॉलर की, तो 35.8 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की गई है सूरीनाम के लिए, सूरीनाम एक देश का नाम है अफ्रीका के अंदर। और इसकी गज बात कर ले तो इसकी जो राजधानी है वो है पैरामारिबो, पैरामारिबो, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है वहाँ की सूरीनाम डॉलर, ठीक है। तो किस देश के लिए, तो आंसर होगा सूरीनाम। अर्जेंटीना इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसकी राजधानी है ब्यूनस आयरस और पेसो है यहाँ की मुद्रा, ठीक है, पैसो की मुद्रा। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ीलिया और रियाल यहाँ की मुद्रा, ब्राज़ीलिया रियाल मुद्रा हो गई। किस देश ने इतिहास में पहली बार आधिकारिक तौर पर अपने नागरिकों को सऊदी अरब जाने के लिए अनुमति देने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए, पहली बार हस्ताक्षर किए वो भी सऊदी अरब जाने के लिए, तो क्या आंसर बनेगा, कौन से देश ने पहली बार अपने नागरिकों को सऊदी अरब जाने के लिए कानून पर हस्ताक्षर कर दिया, तो गाइस आंसर हो जाएगा आपका इजराइल, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजराइल की बात करें तो जेरूसलेम, जेरूसलेम वहाँ की राजधानी है और न्यू शेकल वहाँ की मुद्रा है। सऊदी अरब की बात करें तो गाइस रियाद वहाँ की राजधानी है और रियाल वहाँ की मुद्रा है, ओके। जापान की मुद्रा होगी येन और चाइना की मुद्रा होगी युआन। हाल ही में किस महान एनबीए खिलाड़ी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई थी, जो डोनाल्ड ट्रंप और जो बराक ओबामा है दोनों ने शोक संदेश, शोक प्रकट किया था, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, नाम ध्यान में रखिएगा। इन्होंने 5 बार ये एनबीए खिताब जीता था। तो किस महान एनबीए खिलाड़ी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो आंसर हो जाएगा कोबी ब्रायंट, और कोबी ब्रायंट किस देश के थे गाइस, अमेरिका के, आंसर हो जाएगा अपना अमेरिका के थे कोबी ब्रायंट, साथ में इनकी बेटी का भी देहांत हो गया था। निम्न में से किस दिन प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, किस दिन प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है गाइज, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी, 25 जनवरी, ओके गाइज। 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन है भारत का जो चुनाव आयुक्त है उसकी नियुक्ति होती है, उसका गठन होता है 25 जनवरी 1950 को। और गाइज इसकी जो 2020 की जो थीम है वो थीम का नाम है सशक्त लोकतंत्र के लिए निर्वाचन, इसकी जो थीम है सशक्त लोकतंत्र के लिए निर्वाचन, ओके गाइज ध्यान में रखना है, लिए निर्वाचन इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट और क्या क्वेश्चन बनते हैं, जो चुनाव आयुक्त है मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या गाइज, उनका नाम है सुनील अरोड़ा, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, सुनील अरोड़ा, और इनके नीचे दो और होते पर्सन, उन दोनों का नाम क्या है, एक का नाम है ये अशोक लवासा डिप्यूटी है जो, एक तो हो गया अशोक लवासा और दूसरे कैंडिडेट का नाम है सुशील चंद्र, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होना, सुनील अरोड़ा वो तो है मेन और सुशील चंद्र डिप्यूटी, ओके गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस एयरलाइंस में सरकार की 100% हिस्सेदारी बेचे जाने के लिए निविदाएँ आमंत्रित की गई, 100% हिस्सेदारी बेचे जा रही है, कौन सी एयरलाइंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका एयर इंडिया। एयर इंडिया के एमडी और सीईओ की अपन बात कर लेते हैं, तो वो है राजीव बंसल, ओके गाइज, एयर इंडिया के जो एमडी और सीईओ है राजीव बंसल। निम्न में से किस अभिनेत्री को हाल ही में पद्मश्री पुरस्कारों के लिए चयनित किया गया,
तो जिन जिन कैंडिडेट को पद्मश्री दिया गया वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो यहाँ पे पद्मश्री किस किस को दिया गया ऑप्शन में से आपका आंसर हो जाएगा कंगना रनौत के अलावा किस किस को दिया गया गाइज, ये दिया गया करण जौहर को दिया गया इस बार, साथ ही साथ में किसको दिया गया है, एकता कपूर को भी दिया गया है। ओके गाइज, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो पूछा जा सकता है, गायक कौन सा गायक है, पाकिस्तानी है कोई, अदनान सामी। ओके गाइज, गायक है और एक गायक और है सुरेश वाडेकर। तो आपको गाइज ये नाम जरूर ध्यान में रखना है, अदनान सामी वाला, ठीक है, ये पाकिस्तानी मूल के थे। ओके गाइज, तो करण जौहर, एकता कपूर, कंगना रनौत, अदनान सामी, सुरेश वाडेकर, इनको सबको पद्मश्री दिया गया था 26 जनवरी के उपलक्ष दौरान। हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक ग्लोबल टैलेंट कंपटीशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है, टैलेंट कंपटीशन के मामले में इंडिया की पोजीशन क्या है। तो गाइज टैलेंट कंपटीशन की बात करें तो इंडिया की पोजीशन है 72, इंडिया 72 पे, तो फर्स्ट नंबर पे कौन है इसमें, तो इसके अंदर आता है फर्स्ट पे स्विट्जरलैंड हो गया, दो पे आता है अमेरिका और तीन पे आता है गाइज सिंगापुर। तो एक नंबर याद रखिएगा और भारत का ध्यान में रखिएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश के मच्छरों में पाए गए नए वायरस को यादा वायरस का नाम दिया है, यादा वायरस किस देश के मच्छरों में पाए गए नए वायरस को यादा वायरस का नाम दिया गया है। जैसे कि ये आया था COVID-19, ये कहाँ पे आया, जिसका नाम रखा था नोवेल कोविड, तो ये है था चाइना के अंदर। तो इसी प्रकार से जो यादा वायरस ये किस देश से बिलोंग करता है, तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के पीएम का नाम ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है स्कॉट मॉरिसन। ओके, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कैनबरा राजधानी हो गई। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था द्वारा वैश्विक गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करने हेतु टाइम टू केयर नामक रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया। सबसे पहले गरीबी उन्मूलन पे है आधारित, दूसरी बात रिपोर्ट का नाम है टाइम टू केयर, और ये किसने प्रकाशित किया है। तो गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सफैम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना। और ये किस पे आधारित है, गरीबी उन्मूलन, यानी देशों के अंदर गरीबी हटाना, सभी देशों के अंदर गरीबी हटाने से संबंधित है, ध्यान में रखना ऑक्सफैम। और ये क्या है, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, केन्या की राजधानी नैरोबी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और किसके अंडर में ये, ऑक्सफोर्ड, वहाँ पे इसकी स्थापना होती है ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड के अंदर, ऑक्सफैम में केन्या नैरोबी यहाँ पे हेडक्वार्टर है इसका। रिपोर्ट का नाम है टाइम टू केयर और किससे संबंधित है, गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। दक्षिणी अमेरिका के किस देश को हाल ही में जी स्वतंत्र समूह की अध्यक्षता दी गई। देखिएगा कहने को तो जी स्वतंत्र है, यानी जब इसकी स्थापना की गई तो इसके अंदर थे 17 कंट्रीज थे, और एट प्रेजेंट इसके अंदर टोटल 134 के लगभग देश हैं, और इसकी अध्यक्षता किसे दी गई, गुयाना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुयाना को इसकी अध्यक्षता दी गई, और भारत भी इसका सदस्य, ध्यान में रखना जी स्वतंत्र का इस ग्रुप का भारत भी सदस्य है। और ये किसका ग्रुप है, एग्जाम में पूछे जाए तो आपको बताना कि जितने भी विकासशील देश हैं उन सभी देशों का ये सदस्य है। किस देश ने हाल ही में ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसकी वजह से ओजोन लेयर को नुकसान हो जाता है और उसको चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा इंडिया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन लेयर को ये नष्ट करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन लेयर सबसे ज़्यादा समताप मंडल में पाई जाती है, और ओजोन लेयर की जो यूनिट होती है वो होती है डॉप्सन, ठीक है, और डॉप्सन, एक डॉप्सन का मतलब हो गया 0.01 mm थिकनेस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। हाल ही में किस वायरस के कारण चीन के वुहान शहर में यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया। तो गाइस ये क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, सिंपल सी बात है, अपने को ध्यान में रखना कि चीन कोरोना वायरस और कहाँ से आया, उद्गम इसका वुहान सिटी। हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी एरोपोलिक्स रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कितने भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर बरकरार है। ग्रीन पीस इंडिया, देखिएगा ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो पॉल्यूशन से रिलेटेड है, और जो इंडिया के अंदर जो नाम है संस्था है उसका नाम है ग्रीन पीस इंडिया, और इंडिया के अंदर चार जगह इसका सेंटर है, और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलोर के अंदर है, और इंडिया के अंदर चार सिटीज़ कौन कौन सी होगी, चेन्नई, एक होगी दिल्ली,
एक होगी पटना, ध्यान में रखना पटना, और एक है बेंगलोर। चार जगह भारत के अंदर इसका सेंटर है। हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलोर है इसका इंडिया के अंदर। तो इसके अनुसार निम्न में से कितने भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर बरकरार है? तो भारत के 231 शहरों में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा 231। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? तो गजनवी का परीक्षण किया गया पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान की बात करें तो आरिफ आलवी वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ओके गाइज, और शाह महमूद कुरैशी कौन है? वहाँ के विदेश मंत्री है, ध्यान में रखना विदेश मंत्री। और जनरल कमर जावेद बाजवा वो वहाँ के पाकिस्तान के जनरल है। ठीक है, आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में एक समारोह में कितने बच्चों को बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? तो कितने बच्चों को सम्मानित किया है? तो आंसर हो जाएगा 49। किससे सम्मानित किया है? बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से किसने? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। महाराष्ट्र के बाद अब किस राज्य सरकार ने स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है? तो गाइस ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र, MP और राजस्थान, इन्होंने इसको अनिवार्य कर दिया संविधान की प्रस्तावना पढ़ाना। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात करें तो लालजी टंडन है वहाँ पर राज्यपाल है और शिवराज सिंह चौहान है मुख्यमंत्री। हाल ही में किस राज्य में 644 उग्रवादियों ने मुख्यमंत्री के सामने आत्मसमर्पण किया है? बहुत ज़्यादा हो गए 644 उग्रवादी। ठीक है, इसके अंदर बहुत बड़े ग्रुप है, जैसे कि उल्फा ग्रुप है उधर, उनके सभी के उग्रवादी थे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। असम की बात कर ले तो गाइस दिसपुर वहाँ की राजधानी है, सर्वानंद सोनोवाल वहाँ पे मुख्यमंत्री है और जगदीश मुखी वहाँ पे राज्यपाल है। ओके, ओडिशा की बात कर ले तो भुवनेश्वर हो गई और नवीन पटनायक है वहाँ पे मुख्यमंत्री। झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? कौन? भूपेश बघेल। हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि बर्थ टूरिज्म के नाम पर दूसरे देशों से आने वाली गर्भवती महिलाओं पर रोक लगाने के लिए नई पाबंदियों का ऐलान किया गया है? देखिए गाइज, बर्थ टूरिज्म का मतलब है कि वहाँ पर जिस देश में बच्चा जन्म लेता है तो उसको भी वहाँ पर पासपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे ये कि इसके ऊपर रोक लगा दी गई है, किस देश ने? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका ने इसके ऊपर रोक लगा दिया है बर्थ टूरिज्म के नाम पर दूसरे देशों से आने वाली गर्भवती महिलाओं को रोकने के लिए। ठीक है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे आतंकवाद वगैरह जो भी गतिविधियाँ होती है उसको बढ़ावा मिलता है। निम्न में से किस राज्य द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना प्रारंभ की गई? ये क्वेश्चन गाइस इंपॉर्टेंट है, कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, इसके अंदर 5 लाख का मुआवजा मिलता है यदि किसी किसान की खेती करते समय मौत हो जाती है, तो 5 लाख का मुआवजा मिलता है। और ये किस स्टेट का है? तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य वहाँ पे डिप्टी CM है और एक दिनेश शर्मा, ये दोनों उप मुख्यमंत्री है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे और आनंदीबेन पटेल वहाँ पे राज्यपाल है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने हाल ही में किस देश को रोहिंग्या मुसलमानों को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है? तो रोहिंग्या मुसलमान कहाँ से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा म्यांमार से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी अपना म्यांमार हो जाएगा। और नेपियाडू इसकी राजधानी है और क्यात इसकी मुद्रा है, म्यांमार, नेपियाड और क्यात। और इसकी जो सब लार्जेस्ट सिटी है उसका नाम है यंगून। म्यांमार का दूसरा नाम क्या है? बर्मा। निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? नेशनल चाइल्ड डे। तो गाइज नेशनल चाइल्ड डे मनाया जाता है 24 जनवरी को, और 24 जनवरी 2020 को जो नेशनल चाइल्ड डे राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था उसकी थीम थी गाइज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इसकी थीम थी। ठीक है, भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस से सहायता के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर कौन से है? तो जारी हेल्पलाइन नंबर कौन सा गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि बीमारी है ये महामारी बन चुकी है, तो इससे संबंधित इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, तो इससे रिलेटेड जो भी है प्लेलिस्ट देखिएगा गाइज, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है COVID-19 से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन पर वीडियो बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में आप चेक करोगे तो मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2397804 6। कोरोना वायरस सबसे पहले किस देश में आया? तो ये आया था चाइना के अंदर, चाइना की वुहान सिटी के अंदर आया था। चाइना की बात करें तो शी जिनपिंग राष्ट्रपति है, युआन वहाँ की मुद्रा है। ओके,
तो गाइज ये था अपना सेशन। डेली बेसिस के ऊपर अपने इसी तरीके से क्वेश्चन करते हैं जो 1-1 जनवरी 2020 के बाद के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट पे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन नहीं आता तो। गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।